और अब खबर यूपी के बाराबंकी से, जहां रामसनेही घाट थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से अवैध शराब और नकदी बरामद की। जानकारी के अनुसार वाहन चेकिंग के दौरान भिटरिया चौराहे के पास एक कार की तलाशी ली गई और जिसमें 19 पेटी अवैध शराब प्राप्त हुई, जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए आंकी गई। वहीं पूछताछ करने पर कार चालक ने शराब हरियाणा में सप्लाई करना बताया और पुलिस ने कार चालक से तलाशी में 5,000 रुपए और एक मोबाइल भी बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेकर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन।